करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लेट अस रिकॉल, चलिए एक बार हम इसे रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ, यानी कि जब हम एस्टिमेट करते हैं राउंड अप करके, कैसे करते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ मीन्स चेंजिंग द मोस्ट इनफिनिकेंट वैल्यू टू इट नियरेस्ट जीरो फिगर। दिस मेक द नंबर मोर रीडेबल एंड ईजी फॉर एस्टिमिनेशन। कहते हैं कि अब हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास नंबर हो तो उस नंबर को हम उसके बराबर वाले जीरो के पास ले आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें 6 दिया गया है तो 6 के बराबर कौन सा जीरो है? 10। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को 10 के करीब ले आएंगे। या मान लीजिए अगर हमें 4 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्ट जीरो बोल देंगे, जो नंबर है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि किसी भी चीज़ को जोड़ने में, घटाने में, ठीक है, कोई नई वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी होती है, ठीक, उसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है आपका राउंडिंग, देखिए लिखा है राउंडिंग ऑफ प्लेस, ठीक है। राउंडिंग ऑफ प्लेस कैसे होता है? यूनिट प्लेस, यानी कि आपका एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 10, यानी हम 10 के करीब लेके आते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसे 5 है, अगर देखिए यहाँ लिखा है कैसे, अब इसका पैटर्न क्या है, कैसे करेंगे इसको? तो देखिए यहाँ लिखा है इफ़ द नंबर इन द यूनिट प्लेस इज लेस देन 5, अगर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस का मतलब होता है बेसिक प्लेस पे, जैसे अब मान लीजिए यूँ इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 5 से कम है तो देन इट इज़ राउंड ऑफ टू ज़ीरो, इसे हम ज़ीरो कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे 43 है तो ये राउंड ऑफ होके 40 हो जाएगा, बट अदरवाइज 10, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 से ज़्यादा है, मान लीजिए 6 है, तो ये 50 हो जाएगा राउंड ऑफ होके। आई समझिए बात, 5 से कम होगा तो जो नंबर है वो भी हम त्याग दे देंगे, ठीक है, उन्हें छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको हम ऐड ऑन कर लेंगे, जो भी नंबर है उसमें। अब देखिए यहाँ आपका एग्जांपल दिया गया है कि अगर जैसे 72 है, कैन बी राउंड ऑफ जो है वो 70 होगा, क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है लास्ट वाली यूनिट प्लेस, ठीक। अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस 7 है, 5 से ज़्यादा, तो हम इसको 27 को क्या बना देंगे, 30 बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए यहाँ बिल्कुल 5 है, तो कैन बी टू हम इसे 80 भी कर सकते हैं और इसे 70 भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर राउंड फिगर 5 होती है ना, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू हो अगर वो 5 है तो कोई बात नहीं, हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे अब हम इसे 70 भी लिख सकते हैं और इसे 80 भी लिख सकते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, आगे ही बढ़ाते हैं, माइनस हम नहीं करते, तो इसलिए हम इसे 80 ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आ रही बात समझ में, कि अगर 5 से कम है तो हम उसको माइनस की तरफ ले जाते हैं, अगर 5 से ज़्यादा है तो हम उसे प्लस की तरफ ले जाते हैं, ठीक। अब अगर यहाँ यूनिट प्लेस में 10 की प्लेस हो, यानी कि आपकी आपने पढ़ा होगा ना इस तरह से कि जो आपके डिजिट लिखे होते हैं, मान लीजिए कुछ भी डिजिट है, तो आपको पता होता है ये यूनिट प्लेस है, यानी कि 1s है, फिर ये 10s होता है, फिर ये 100 होता है, फिर ये 1000 होता है, फिर ये 10,000, फिर ये लाख, फिर उसके बाद 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे होता है ना, ये आपने पढ़ा है यूनिट प्लेस नंबर। अब अगर कहा गया 10 नंबर पे अगर ऐसा है तो 10th की प्लेस पे, तो हमें उसे एस्टिमेट करना होता है नियरेस्ट 100, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ उन्होंने बताया इफ़ द नंबर एट द 10th प्लेस, अगर कोई 10th प्लेस पे नंबर है लेस देन 49 और वो 49 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़ीरो हो जाएगा, अदरवाइज 100, और अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो 100 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ लिखा है 10 कितना है, 510, तो ये 500 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि ये 49 से कम था 10। अब यहाँ देखिए यहाँ 63, अब यहाँ पहले आपने एक डिजिट देखी थी, अब आपको दो डिजिट्स देखनी है, ठीक है। तो अब आप यह देख सकते हैं कितनी है 63, तो किससे ये ज़्यादा है, तो 863, तो हम इसे 900 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये 49 से ज़्यादा है, ठीक। अब यहाँ देखिए 50 है, तो क्योंकि ये 50 है तो ये 650 है, तो हम इसे 700 कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है।
अरे बात समझ में आपके, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब अगर 100 की प्लेस पे होगा तो उसको हम 1000 पे एस्टिमेट करेंगे। कैसे करेंगे एस्टिमेट? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आप देख सकते हैं, इफ़ द नंबर एट 100 प्लेस इज लेस देन 499, इट इज राउंडेड ऑफ टू 0, अदरवाइज 1000। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे देखिए अभी हमने एक बात बताते हैं हम आपको। जैसे अभी हमने वंस का देखा कि अगर वंस है तो उसे 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। फिर हमने देखा कि अगर 10 है तो उसे हम 100 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। फिर हमने देखा कि अगर 100 है तो इसे हमें 1000 में कन्वर्ट करना है। आ रही बात समझ में? तो देखिए यहाँ यही चीज़ आपको दिखाई गई कि अब आपको लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 499 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 499 से कम है तो सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो देखिए ये 499 से कम है इसलिए सब ज़ीरो हो गए, ठीक। लेकिन ये देखिए ये 499 से बड़ा है इसलिए देखिए ये 600 से 700 बन गया। आ रही बात समझ में? इसी तरह से ये आप देखिए ये 513 है, यानी 499 से बड़ा है, ठीक है, 499 से बड़ा है तो इसको हम यहाँ पे 600 करेंगे। ये इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, आप इसे 6 करेंगे, ठीक है। अच्छा 1000 के ऊपर हो रहा है ना, हाँ ठीक तो है, 1000 पे होना है ना। तो ये देखिए ना, इसको इन्होंने बढ़ा दिया, बल्कि यहाँ पे इन्होंने वैल्यू ही गलत लिखी है, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग। आप इसे सही करके लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी 632, यहाँ हो जाएगी 5, ठीक, क्योंकि हमने बताया ना अभी आपको 0, 0 और 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, आप इसे कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये आपको स्केल पे इन्होंने बताया है, द नंबर, जो भी हम नंबर राउंड अप करते हैं, कैन बी राउंड ऑफ 1000, अगर ये है तो इसको 1000 में करना है। जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर मान ले देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये आपकी मेन वैल्यू है, ठीक। अगर कोई नंबर इधर होगा तो इसके करीब है इसलिए हम इधर ले जाएंगे, अगर कोई नंबर इस तरफ होगा तो इसके करीब है हम इधर ले जाएंगे। अब देखिए इससे इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब यहाँ लिखा है लेट अस डू, चलिए करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है गिवन नंबर, ये आपको नंबर दिए गए हैं, उसके बाद बताया है कि इसको अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट करना है, कि इसमें इन दोनों में 10 के करीब करना है, इसमें 100 और इसमें 1000, ठीक है। तो जब आप इसे करेंगे तो इसकी राउंडेड फॉर्म क्या होगी, ये हम लोग अपने आंसर शीट पे देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि अब हमें राउंडेड फॉर्म में करना है। तो ये 900, इसको क्या करना है, ये 900 हो गया, 7 यहाँ पे 6, 7, 900 है ना, ऐसे होगा। चलिए तो ये काम करते हैं, आंसर को देख लेते हैं, आंसर शीट को, कि टेबल आपने वहाँ से बना ली है। यहाँ से जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि देखिए इसको राउंड अप हमने क्या कर दिया, 100 के बराबर कर दिया दोनों को। क्यों? क्योंकि दोनों टेंस में थे, ठीक है, ये दोनों 100 में थे तो इनको हमने 1000 पे राउंड अप करा, ठीक, और ये क्योंकि 1000 पे थे तो इनको हमने 10000 पे राउंड 100 पे थे तो 1000 पे कर दिया, ठीक है। तो कर सकते हैं आप लोग आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहाँ खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।